आज हम लोग कक्षा 10वीं के गणित विषय के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, जिसमें एक ये जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं उसमें जो पहला क्वेश्चन है 96 और 404 का SCF होगा, यानी मात्रा संवर्तक वो इसमें 4 हो जाएगा, यानी यदि 4 के यदि इन दोनों में डिवाइड करें तो इसमें इसका पूरा पूरी डिवाइड संख्या हो जाती है 4 से। सेकेंड नंबर है, यदि दो संख्याओं के गुणनफल 32 एवं LCM 8 है तब उनका SCF होगा, तो इसका जो आंसर होगा ए नंबर होगा, यानी यदि 32 के 8 से डिवाइड करें तो 84 यानी 8 को 32 4 इसका आंसर आ जाएगा। तीसरा नंबर 135 और 225 के SCF होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर 45। सेकेंड नंबर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए √2 1, इसका जो ऑप्शन होगा इसमें आंसर होगा वो हो जाएगा अपरिमेय संख्या है। सेकेंड है कि नहीं दो संख्याओं के लिए LCM इंटू SCF इसकल टू दोनों संख्याओं का गुणन, इसमें ऑप्शन हो जाएगा। परिमेय और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय दोनों संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है, इसका आंसर होगा वास्तविक संख्याएं। तीसरे में सत्य बताना है √2 1 परिमेय संख्या है, ये गलत है अर्थात असत्य कथा नहीं है। सेकंड है अपरिमेय संख्याएं संख्या रेखा पर नहीं दर्शाई जा सकती हैं, जो कि असत्य कथन है, उन संख्याओं को भी दर्शाया जा सकता है। तीसरा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है, जो कि असत्य कथन है, अनावर्ती होती है उनका अशांत, जो उनका दशमलव प्रसार है अपरिमेय संख्या को वो अशांत अनावर्ती होता है, तो ये आवर्ती यानी कहा इसलिए असत्य कथन होगा। फोर्थ नंबर है एक शब्द वाक्य में उत्तर देना है, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या है, तो इसके लिए देखते हैं हम यहाँ ऑप्शन हो जाएगा इसमें। फोर का जो पहला नंबर है प्रत्येक भाज्य संख्या को अद्वितीय रूप से अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, यही अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। इसका सेकंड नंबर है इसमें दिया हुआ, इसमें यदि ए और ए एवं बी दो प्राकृत संख्याएं हैं तो उनके SCF LCM में क्या संबंध होगा, इसको लिख सकते हैं यहाँ पास। LCM इंटू HCF इक्वल टू ए इंटू बी यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल। ये इसके बाद हम सेकंड चैप्टर में देखेंगे, इसमें सेकंड चैप्टर दिया हुआ है बहुपद x²-49 के शून्यक होंगे, तो इसमें जिसका ऑप्शन होगा आंसर होगा वो हो जाएगा इसमें 7 और -7, हम इसको ऐसा ज्ञात कर सकते हैं इसको x²-49 इसको लिख सकते हैं x²-7² इसको लिख, ये हो जाएगा x-7 और x+7, तो जब इसको 0 के इक्वल रखेंगे ये हो जाएगा x=7 और ये हो जाएगा x+7=0, तो x=-7, इसको जो ऑप्शन हो जाएगा 7 और -7, इसमें ए नंबर इसका ऑप्शन सही रहेगा।
सेकंड इसमें है एक बहुपद जिसके शून्य माइनस तीन और फोर हैं होगा, जिसमें जिसको ऑप्शन होगा इसमें। इसका सी नंबर इसमें ऑप्शन होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ट्वेल्व। तीसरा नंबर द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य अल्फा और बीटा है, तो अल्फा बीटा का मान होगा यानी उसके गुणनफल का मान होगा, ये हो जाएगा सी अपान ए, यानी ए नंबर इसका ऑप्शन सही रहेगा। फोर्थ नंबर द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य अल्फा व बीटा है, तो ए तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा यानी उनका योग फल होगा वो हो जाएगा माइनस बी अपान ए नंबर इसमें होगा माइनस बी अपान ए। फिफ्थ नंबर है समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यकों की अधिकतम संख्या होगी, तो क्योंकि ये द्विघात बहुपद है तो इसके शून्यक दो होंगे अधिकतम शून्यक, ए इसका ऑप्शन सही होगा। सिक्स नंबर द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस टेन के शून्यकों का योग होगा, तो जो शून्यकों का योग होता है इसमें शून्यकों का जो योग होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए होता है, तो इसमें जो दिया हुआ है माइनस बी, ये बी वैल्यू है, ए एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है जो कोफिशिएंट वन ए होता है, और इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस टेन, तो यहाँ ए इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर गुणांक वन, बी हो जाएगा सेवन और सी हो जाएगा यहाँ टेन, तो अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए यानी हो जाएगा माइनस सेवन अपान वन यानी माइनस सेवन, तो इसमें जिसका ऑप्शन हो जाएगा वो ए नंबर इसमें सही होगा इसका ऑप्शन। सेकंड में द्विघात बहुपदों में शून्यक हो सकते हैं, तो अधिकतम तीन शून्यक हो सकते हैं, तो ऑप्शन इसका आंसर होगा तीन शून्यक, क्योंकि नहीं इसमें द्विघात दिए तो दो होंगे, यदि द्विघात हो तो तीन होते, तो इसमें जो ऑप्शन होगा फर्स्ट में यहाँ दो होंगे, फिर दूसरा दिया हुआ त्रिघात बहुपद अधिक से अधिक तीन शून्य हो सकते हैं, क्योंकि त्रिघात बहुपद तीन घात का वो बहुपद होता है, इसलिए तीन उसके शून्य हो सकते हैं। फोर्थ में है रैखिक बहुपद के अधिकतम शून्य हो सकते हैं, क्योंकि रैखिक बहुपद जो होता है एक घात का होता है, इसलिए अधिकतम एक शून्य हो सकते हैं। तीसरा नंबर है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस फोर के शून्य एक एवं चार हैं, उनको सत्य असत्य बताने, तो उसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पास असत्य होगा। सेकंड है रूट एक्स प्लस टू एक बहुपद है, जो ये भी असत्य है, क्योंकि इसमें यदि एक बहुपद है तो उसमें एक्स या वाई में रूट नहीं होना चाहिए, इसलिए असत्य कथन होगा। तीसरा है बहुपद पी एक्स में एक्स की उच्चतम घात बहुपद पी एक्स में एक्स की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है, एक सत्य कथन होगा। फोर्थ नंबर है एक शब्द वाक्य में उत्तर देना है रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है, तो इसका आंसर होगा रैखिक बहुपद की घात एक होती है। फिर है यदि अल्फा बीटा और त्रिघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्य को, तो अल्फा बीटा आर का मान क्या होगा, तो इसका ऑप्शन होगा माइनस डी अपान ए, सेकेंड का ऑप्शन होगा माइनस डी अपान ए। तीसरा यदि किसी द्विघात बहुपद एक्स के माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन का शून्य का माइनस थ्री है, तो के का मान क्या होगा, इसका आंसर होगा फोर अपान थ्री होगा। अगले चैप्टर में देखते हैं इसके बाद हम चैप्टर थ्री में, जो कि दो चलवाई रेखीय समीकरण है। समीकरण निकाय में यदि ए ए वन अपॉन ए टू इजकल टू बी वन अपॉन बी टू इज नॉट इजकल टू सी अपॉन सी टू, तो इसका जो ऑप्शन होगा बी नंबर हो, कोई हल प्राप्त नहीं होगा। दूसरा यदि रेखीय समीकरण संगत है तब रेखाएं होंगी, इसमें सदैव संपाती सदैव प्रतिच्छेदी प्रतिच्छेदी अथवा संपाती, तो इसका आंसर होगा सी नंबर होगा प्रतिच्छेदी अथवा संपाती। तीसरा नंबर यदि ए वन अपॉन ए टू
इस कंटे बी अनुपान भी इसका सी अनुपान से तो समीकरण का ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इसका जीरो होता था, ए टू एक्स प्लस बी टी वाई प्लस सी टू इसका जीरो की अनंत अनेक हल होगी, यानी इसका डी नंबर ऑप्शन होगा। फोर्थ नंबर एक्स माइनस टू वाई इसका जीरो और थ्री एक्स प्लस फोर वाई माइनस ट्वेंटी इसका टू जीरो हो तो रेखाएँ तो इसका आंसर होगा यहाँ पास रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। इसको हम चेक कर सकते हैं यहाँ जैसे दिया हुआ है इसमें दो इक्वेशन दी हुई है एक्स माइनस टू वाई स्कल टू जीरो और थ्री एक्स प्लस फोर वाई माइनस ट्वेंटी स्कल टू जीरो। इसको देखते हैं इसका कोएफिशिएंट एक्स का वन है तो वन अपान थ्री स्कल टू ये माइनस टू है माइनस टू अपान फोर और इसमें कोई संख्या नहीं है कॉन्स्टेंट में। तो यहाँ देखें दोनों वैल्यू इसमें सेम नहीं है यानी इज नॉट इक्वल टू ए वन अपान ए टू यानी ए वन अपान ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपान बी टू, तो ये रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। जो ऑप्शन होगा इसमें वो हो जाएगा ए नंबर होगा प्रतिच्छेद प्रतिच्छेद करती हैं। दूसरा नंबर है रिक्त स्थान की पूर्ति करना है अनंत अनेक हल होने पर रेखाएँ संपाती होती हैं, तो आंसर होगा इसमें संपाती होती हैं। दूसरा यदि रेखाएं समांतर होती स्थिति में समीकरण युग्म असंगत होगा, आंसर होगा असंगत। तीसरा है समीकरणों को जोड़कर या घटाकर हल करने की विधि विलोपन कहलाती है, समीकरणों को जोड़कर या घटाकर हल करने की विधि विलोपन विधि कहलाती है। तीसरा सत असत बताना है, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं का लेख प्राप्त होने पर निकाय का अद्वितीय हल प्राप्त होता है, तो ये एक सत्य कथन होगा। दूसरा है ए वन अपान ए टू इसका बी वन अपान बी टू इसका सी वन अपान सी टू की स्थिति में समीकरण निकाय कोई हल प्राप्त नहीं होगा, ये असत्य कथन है। इस स्थिति में समीकरण निकाय के अनेक हल प्राप्त होते हैं, इसलिए जो कथन है यहाँ ये असत्य होगा। एक शब्द वाक्य में उत्तर बताना, दो चल वाई रेखीय समीकरण का मानक रूप लिखना है, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पास हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी स्क्वायर टू जीरो। तो इसमें जो पहला नंबर का इसमें हो जाएगा दो चर पर रखे समीकरण का मानक रूप ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी स्क्वायर टू जीरो। दूसरा है दो प्रतिच्छेदी रेखाएं किस स्थिति में प्राप्त होती हैं, तो इसके जो कंडीशन दिया हुआ है इसमें कंडीशन होता है इसकी ए वन अपान ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपान बी टू, यदि ये कंडीशन होगी तो समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल वो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं। इसके बाद हम अगले चैप्टर में देखेंगे, इसमें चैप्टर फोर में इसमें है द्विघात समीकरण में, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर के विभिन्नकर का मान होगा, तो विभिन्नकर फाइंड करने का फार्मूला होता है यहाँ देख सकते हैं विभिन्नकर के लिए इसको डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं। ये होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो जो इक्वेशन दिया हुआ है इसमें इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो, तो बी यानी ये माइनस फोर है तो ये हो जाएगा माइनस फोर का स्क्वायर और माइनस फोर इंटू ए यानी एक्स का जो गुणांक है वह वन है और सी की वैल्यू फोर है तो यहाँ हो जाएगा इंटू फोर, तो फोर फोर सिक्सटीन माइनस फोर फोर सिक्सटीन इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पास हो जाएगी यहाँ जीरो, तो इसकी जो वैल्यू को मिलेगी वही मिलेगा इसमें जीरो। इसका जो ऑप्शन होगा यहाँ सी नंबर ऑप्शन होगा जीरो। सेकेंड है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इसका टू जीरो के विभिन्नकर होगा, तो इसका जो फार्मूला ये हो जाएगा डी इसकल टू बी स्क्वायर माइनस फोर, इसका जो ए नंबर ऑप्शन सही होगा ए नंबर। तीसरा इसमें है समीकरण एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो के हल है, तो इसका जो हल होगा यहाँ पास टू टू होगा सी नंबर होगा।
इसको मैं सेल कर सकते हैं, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर इसको लिखा जा सकता है, एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू हो जाएगा, एक्स माइनस टू इजकल टू जीरो या एक्स इजकल टू टू इसको लिख सकते हैं, एक्स माइनस टू इजकल टू जीरो या एक्स इजकल टू टू, तो ये उसकी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ टू टू हो जाएगा, इसके शून्य हो जाएंगे, यानी इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। द्विघात समीकरण एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल जीरो के मूलों की संख्या होगी, क्योंकि द्विघात द्विघात का समीकरण, तो इसके जो मूलक होंगे वो दो होंगे, मूलों की संख्या बी नंबर होगा। फिफ्थ नंबर के का मान जिसके द्विघात समीकरण के मूल समान है, इसका जो आंसर होगा वो इसमें हो जाएगा डी नंबर होगा, 0 और 8, इसको हल भी किया जा सकता है, जैसे यहाँ देख सकते हैं इसको हम इक्वेशन है 2x² माइनस के एक्स प्लस के इजकल टू जीरो, तो मूल समान है अर्थात डी इजकल टू जीरो, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इजकल टू जीरो, तो इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस के का होल स्क्वायर माइनस 4 a की वैल्यू 2 c की वैल्यू k, तो इसको लिख सकते हैं के स्क्वायर माइनस 8k इजकल टू जीरो या के स्क्वायर इजकल टू 8k या के इजकल टू 8, तो इसकी वैल्यू आएगी 8 आ जाएगी इसमें, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वैल्यू को के इंटू, यहाँ से के को कॉमन करें तो हो जाएगा के इंटू के माइनस 8, तो हो जाएगा के इजकल टू 0 और के माइनस 8 इजकल टू 0 या के इजकल टू 8, यानी 0 और 8 इसके शून्य का आ जाएंगे, तो इसका जो ऑप्शन होगा यहाँ पर हो जाएगा दोनों समान मूल्य, ये हो जाएगा इसमें 0 8, इसके दो मूल प्राप्त होंगे हमको। सेकेंड नंबर रिक्त स्थान की पूर्ति करना, द्विघात समीकरण में चर राशि अधिकतम घात होती है, ये द्विघात है तो दो होगा अधिकतम घात। सेकेंड है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो तो द्विघात समीकरण के मूल समान होंगे। तीसरा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में कोई वास्तविक मूल नहीं होते, यदि से जो कंडीशन होती है वो कंडीशन इसमें होती है, मूल यदि वास्तविक नहीं है तो डी इज लेस देन, जो व्यक्तिगत का मान है वो नेगेटिव प्राप्त होगा, तभी मूल उसमें वास्तविक नहीं मिलेगी हमको। तो इसमें लिखेंगे डी इज लेस 0। फोर्थ नंबर द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस रूट 5x प्लस 1 इक्वल टू 0 के दोनों मूल, इसको सॉल्व करते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस रूट 5x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करने हो जाएगी यहाँ पास अपने पास बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 या बी वैल्यू हो जाएगी रूट 5 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू यहाँ हो जाएगी 2 सी की वैल्यू 1, तो ये जो इसका रूट ये हट जाएगा तो 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 8, यानी नेगेटिव यहाँ वैल्यू आ रही है माइनस 3, तो इसका जो ऑप्शन होगा यहाँ पास फोर्थ नंबर में दोगत के दोनों मूल जो होंगे वो काल्पनिक होंगे, क्योंकि भले इसमें जो जो व्यक्तिकर वो नेगेटिव प्राप्त हो रहा है मूल, तो दोनों मूल काल्पनिक होंगे। फिफ्थ नंबर है द्विघात समीकरण 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इसका 0 के मूलों की प्रकृति होगी, तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व करते हैं यहाँ हो जाएगी यहाँ पास 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इसका 0, तो इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी में माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 4 और सी की जो वैल्यू यहाँ हो जाएगी 1 हो जाएगी, ये यहाँ हो जाएगा 1 माइनस
16 जो कि नेगेटिव प्राप्त हो रहा है, यानी माइनस 15 प्लस 0 0 से कम होती है, भी काल्पनिक मूल होगा, इसमें काल्पनिक होगी, इसमें प्रकृति इसकी होगी। तो अगला चैप्टर में देखते हैं इसमें 5 है समांतर श्रेणियाँ, इसमें देखते हैं किसी समांतर श्रेणी का सर्वांतर हो सकता है धनात्मक ऋणात्मक शून्य, तो इसका जो ऑप्शन होगा इसमें वो हो जाएगा उपरोक्त तीन हो सकते हैं, ऋणात्मक हो सकते हैं धनात्मक हो सकते हैं और शून्य भी हो सकता है। सेकंड नंबर है उस समांतर श्रेणी का एनवा पद होगा जिसका प्रथम पद सर्वांतर डी है, इसका जो ऑप्शन हो गया आपके पास वो हो जाएगा बी नंबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। थ्री नंबर है श्रेणी 2, 4, 6 के दसवां पद होगा, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं आपके पास श्रेणी दिया हुआ अपने पास 2, 4, 6, 8, तो ये एज कल टू यहाँ प्रथम पद 2 है और डी है, 4 से 2 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, इन डी जो यहाँ पर मिलेगा सर्वांतर हो जाएगा 2, तो इसका एनवा पद हो जाएगा, वो हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हमको यहाँ इसका दसवां पद फाइंड करना है, तो एन दसवां पद हमको प्राप्त करना है, तो एन इसको यहाँ 10 रखेंगे, एज कल 2 रखेंगे, तो 10 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू हो जाएगी 2, तो 2 प्लस ही हो जाएगा 8 इंटू 2, यानी 2 प्लस 16 हो जाएगा यहाँ 18, यानी जो इसका ये दसवां पद हो 18 आएगा, इसमें तो इसका ऑप्शन होगा यहाँ पास वो बी नंबर होगा। फोर्थ नंबर है ए प्लस बी एवं ए माइनस बी का समांतर माध्य है, इसमें सॉल्व करेंगे इसको, इसको आप समझ जाएंगे यहाँ पास ए हो जाएगा, यानी इसको हम समांतर माध्य से ज्ञात करेंगे, ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी अपॉन 2 करेंगे, इसको लिख सकते हैं ऐसा ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी अपॉन 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा 2a/2 यानी हो जाएगा ए, ऑप्शन हो ये ए न बी नंबर होगा इसमें। सेकेंड डायरेक्ट स्थान की पूर्ति करना, समांतर श्रेणी के कोई दो लगातार पदों का अंतर, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा सर्वांतर कहलाता है, यानी समांतर श्रेणी के कोई दो लगातार पदों का अंतर सर्वांतर कहलाता है डिफरेंस। सेकंड है समांतर श्रेणी का एनवा पद होगा, इसका जो फार्मूला होगा ए इज इक्वल टू या एनवा पद इसमें होता है वो होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तीसरा ए और बी का समांतर माध्य होगा, तो इसको लिखेंगे ए प्लस बी अपॉन 2 यानी ए प्लस बी बटे 2। फोर्थ है समांतर श्रेणी की एन पदों का योगफल, तो समांतर श्रेणी के एन पदों का जो योगफल होता है वो होता है इसमें एन अपॉन 2 प्लस 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तीसरा सत्य बताना है एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद सर्वांतर डी पदों की संख्या एन और उनके एन पदों का योगफल होगा एन अपॉन 2 इंटू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ये कथन असत्य होगा क्योंकि यहाँ 2 ही रहता है, असत्य कथन होगा ये। सेकंड है प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योगफल 56 है, तो ये कथन भी यहाँ पास ये असत्य कथन होगा। क्वेश्चन को लगा भी सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन है प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग पद लिख सकते हैं इसको 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10 को प्लस करेंगे तो 10 और 9 हो जाएगी 19 और 8 हो जाएगा 27 और 7 हो जाएगा 34 और 6 हो जाएगा 45 पर 4 हो जाएगा 49 और 3 हो जाएगा 52 और 2 हो जाएगा 54 और 1 हो जाएगा 55
यानी इसका आंसर ये 55 आना चाहिए, इसने 56 दिया हुआ है, तो ये भी एक असत्य कथन हो जाएगा। फिर समांतर श्रेणी 357 की पदों की संख्या 15 है, इसका अंतिम पद 31 होगा, ये कथन इसमें सत्य होगा। इसको लगा भी सकते हैं, जैसे यहाँ दिया हुआ है, श्रेणी दी हुई है 357 दिया हुआ है और पदों की संख्या n दिया हुआ है, यहाँ पास 15 दिया हुआ है और अंतिम पद दिया हुआ है वो दिया हुआ 31। तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे 3 यहाँ ए हो जाएगा 3 और दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, डिफरेंस अंतर हो जाएगा, 5 से 3 माइनस करेगा तो ये 2 आएगा। तो इसको लिख सकते हैं, यानी इसका अंतिम जो पद होगा यहाँ 3 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू यहाँ 2 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा यहाँ पास 3 प्लस 15 से 1 माइनस करेंगे तो 14 इंटू 2, तो 3 प्लस 14 इंटू 2 जाएगा 28, ये हो जाएगा 31। तो इसका जो अंतिम पद 31 आ जाएगा, यानी ये जो कथन ये सत्य कथन होगा। फिर एक शब्द वाक्य में उत्तर देना है, 27, 24, 21 का कौन सा पद शून्य है, तो इसको भी लगा सकते हैं सवाल को, यहाँ देखते हैं इसको, 27, 24, 21, तो मान लें इसमें जो हो जाएगा ये ए जो ए प्रथम पद वो 27 हो जाएगा, जो डी हो जाएगा दोनों का डिफरेंस, 24 से 27 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा यहाँ -3, तो मान लेते इसका जो एनवा पद है वो शून्य है, यानी ए हो जाएगा 27 प्लस एन माइनस वन इंटू डी यानी -3। तो यदि ये मान लेते शून्य है तो इसको लिख सकते हैं 27 -3 या +3, ये वैल्यू हो जाएगी 27 और 3 हो जाएगी यहाँ पास -3 एन प्लस 30 या -3 एन इक्वल टू -30 या एन इक्वल टू, दोनों का माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 30 अपॉन 3 हो जाएगी यहाँ 10 आ जाएगा। तो यानी इसका जो दसवां पद वो शून्य होगा, तो इसमें जो ऑप्शन होगा इसमें फोर्थ नंबर में हो जाएगा, इसमें दसवां पद होगा। फिर सेकंड है 4x और 6x का समांतर माध्य क्या, उसको देख सकते हैं यहाँ पास 4x प्लस 6x अपॉन इसको 2 करेंगे तो 6 प्लस 14 हो जाएगा, 10x अपॉन 2 हो जाएगा 5x। इसमें जो ऑप्शन होगा यहाँ पास वो 5x होगा। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का जो योग होता है वो होता है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 होता है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने कक्षा 10 के गणित विषय के चैप्टर 1 से लेकर 5 तक हमने इसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सॉल्व किया, जो कि अभी एग्जाम होने वाले हैं हाफ ईयरली 10th क्लास के एमपी बोर्ड का। तो उस दृष्टि से ये काफ़ी अच्छे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यदि आपको इसमें कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।